देश में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका प्रस्ताव था कि अहिंसा के माध्यम से सिविल डिसोबीडियंस की जाएगी। मेरे अप्पा भी तमिलनाडु से अपने परिवार के साथ इंडिया छोड़ रंगून में आकर बस गए। एक शाम हमारे घर कुछ मेहमान आए, पर उसी दौरान रेडियो पर एक ऐसी खबर आई जिससे उस शाम का माहौल ही बदल गया। आकाशवाणी से प्रसारित आज की ताज़ा खबर। प्रातःकाल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ, कौन था भगत सिंह और क्यों उसे फांसी हो रही थी। मैंने भी भगत सिंह की तरह बंदूक उठाई। मन ही मन अंग्रेज मेरा निशाना थे। हमारे घर को आया गांधी जी को मेरे हाथ में बंदूक देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी मुझे गोली की आवाज सुनाई दी, क्या तुम किसी से लड़ने की तैयारी कर रही हो? हाँ, आजादी की इस लड़ाई में मुझे भी अपना योगदान देना है। जरूर नहीं, हर लड़ाई हथियारों से ही लड़ी जाए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ अहिंसा के मार्ग से भी जीती जा सकती है। लेकिन मुझे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे हुतात्माओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना। जिस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की थी उसे अब मैं खत्म करूंगी। हिंसा के रास्ते से हमेशा बर्बादी ही प्राप्त होती है, हमें उसे त्याग देना ही सही है बेटा। मैंने फिर से निशाना लगाया। भगत सिंह को दी गई फांसी का विरोध सिर्फ एक ही लीडर ने खुले शब्दों में किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके भाषण सुन के ऐसा लगता था कि अंग्रेजों को मुकाबले की टक्कर देने वाला कोई आ गया। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और ना कोई ताकत उसे अपना गुलाम रख सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इस सब के लिए तैयार रहिए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए तो आजाद हिंदुस्तान में जिए और मरे, तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। हाँ, हमें मरना होगा ताकि अगला हिंदुस्तान जी सके। सारी युवा पीढ़ी से मेरी यही गुजारिश है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। आईएनए का कैंप डोनेशन के लिए लगा था और उनके इरादों को और मजबूत करने के लिए मेरे पास जो मेरा अपना था मैंने दे दिया। क्या नाम है तुम्हारा? राजामणि। जामन, अरे नहीं बाबा, रेंदो रेंदो बाबा। रुको बाबा, दीजिए। नेताजी, आपने उस गरीब आदमी से दो पैसे क्यों लिए? उन दो पैसे से हमारा क्या ही होगा? मैंने ये दो पैसे उस गरीब आदमी से इसलिए लिए ताकि उसे ऐसा ना लगे कि आंदोलन सिर्फ अमीरों का है। ये आंदोलन अमीर, गरीब, छोटे, बड़े, हर वर्ग के लोगों का है। ये आंदोलन हम सबका है। अरे हाँ, आज सुबह एक छोटी लड़की आई थी, राजामणि, वो बहुत सारे गहने दे गई है। रंगून में इतने सारे गहने? शायद मैं जानता हूँ कहाँ से आए हैं। नमस्ते। अरे नेताजी आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? क्या आप ये गहने पहचानते हैं? हाँ, ये गहने तो मैंने मेरी बेटी राजामणि को दिए थे। राजामणि आपकी बेटी है? जी। वो आज सुबह ये गहने हमारे डोनेशन कैंप में देखे गए। अच्छा, राजामणि राजामणि जरा यहाँ आना तो। अरे नेताजी आप यहाँ? राजामणि ये तो तुम्हारे गहने है ना? हाँ। फिर तुम इसे आज सुबह डोनेशन कैंप क्यों देकर आई? हाँ, ये तो वही गहने है, पर ये आपके पास? राजामणि ये गहने मैं तुमसे स्वीकार नहीं कर सकता। पर आप तो कहते हैं कि आंदोलन सबका है, तो आपको ये गहने स्वीकार करने ही होंगे। राजामणि तुम बहुत छोटी हो और ये गहने बहुत महंगे, मैं तुमसे स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये गहने आपसे एक ही शर्त पर वापस लूंगी, अगर आप मुझे अपने साथ अपने आंदोलन में शामिल कर ले। ठीक है, सरस्वती की तरह हो तुम तो, लक्ष्मी तो आती जाती रहती है मगर सरस्वती अगर एक बार आई तो वापस नहीं जाती। आज से मैं तुम्हें सरस्वती कह के पुकारूंगा। मुझे तुम पर गर्व है सरस्वती। बनने जी नेताजी शुरू हुआ। मुझे सबसे पहले नर्सिंग की ट्रेनिंग दी गई, आईएनए के घायल सिपाहियों की देखभाल करने के लिए। नेताजी से जुड़ने के लिए मुझे सब कुछ मंजूर था, पर उस दिन मैंने आईएनए के एक सिपाही को एक अंग्रेज सिपाही से कुछ बात करते देखा।
अंग्रेज सिपाही ने उसे कुछ पैसे भी दिए। ये बात नेताजी को बताना जरूरी था। नेताजी। हाँ बोलो सरस्वती। नेताजी मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। हाँ बोलो। आज सुबह नर्सिंग करते हुए मैंने देखा कि INA का एक सिपाही अंग्रेजी सिपाही को कुछ दे रहा था, बदले में उसने उनसे कुछ पैसे भी लिए। मुझे शक है कि INA का ही कोई सिपाही हमारी निजी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा रहा है। नेताजी ने मुझ पे जरा भी अविश्वास नहीं किया। मेजर सर पता लगा INA में सब क्या चल रहा है। और फिर नेताजी ने वो कहा। रुको सरस्वती। जो मैं कब से सुनना चाहती थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी आर्मी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। जी नेताजी। नेताजी का आदेश हमारे लिए सबसे बढ़कर था। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। दुर्गा सरस्वती आप दोनों के लिए मेरे पास एक खास काम है। जी नेताजी, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? दूसरे विश्व युद्ध के चलते ब्रिटिश सरकार की हर एक छोटी से छोटी गतिविधि पे हमें नजर रखनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? आप दोनों को हमारा जासूस बन के ब्रिटिश सरकार के कैंप में घुसना होगा और वहाँ से सारी जानकारी हमें पहुँचानी होगी। जी नेताजी। मैं और दुर्गा रंगून से कोई 700 किलोमीटर दूर एक ब्रिटिश कैंप में आ गए। तुम्हारा नाम क्या है? मणि। गनु। क्या क्या काम कर लेती हो तुम? हमें खाना बनाना, कपड़े धोना और बाकी सभी काम आते हैं। और हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। ठीक है तो आज से ही काम शुरू कर दो। और हाँ, मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं चाहिए। हमारा मेन काम था अंग्रेज अफसरों की हर बात सुनना और हर जरूरी बात की रिपोर्ट INA कैंप पहुंचाना। लेट्स गो। रुको, ये क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। नहीं। ये क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये गन तुमने क्यों ली? और हाँ, इन सब के पीछे कौन है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं कोई नहीं है मेरे पास। जल्दी बताओ मुझे। नहीं कोई नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगी? नहीं। चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं। दुर्गा को मुझे हर हाल में छुड़वाना था। वो मेरी साथी थी। मैंने बर्मा का लोकल लिबास पहन लिया और दुर्गा की जेल चली गई। दुर्गा का रोते रोते हाल बुरा हो गया था। मैंने उसे इशारा कर दिया। नेताजी का नाम लेके हम दोनों भाग गए। जितनी ताकत थी उतना तेज भाग रहे थे, पर गोली से तेज रफ्तार नहीं थी हमारी। हम दोनों किस तरह पेड़ पर चढ़कर बैठ गए कोई पूछे तो बताना मुश्किल था। मेरी टांग में गोली लगी थी और खून बहता जा रहा था। 3 दिनों के बाद जब हम पेड़ से नीचे उतरे
तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांग ही नहीं है। कोई 8 घंटे के सफर के बाद रंगून आ गया और हमारा कैंप भी। आईएनए के हमारे साथी हमें देखकर दंग रह गए। उन सबको लगा था कि अब हम जिंदा नहीं बचे। उन्होंने दुर्गा के पकड़े जाने की खबर सुनी थी और ये भी कि मुझे गोली लगी थी। अब हम घर आ गए थे। नेताजी हमको सरस्वती नाम दिए थे। I will request all of you to please stand on your places for the national anthem.